कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक सोमवार 9 सितंबर को हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां जातिगत जनगणना होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में हमारी सरकार आ रही है। हमारे पास जाति जनगणना का डेटा नहीं है। सरकार अगर उस डेटा को रिलीज नहीं करती है तो जब हमारी सरकार आएगी तब हम उसे रिलीज करेंगे। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना साफ दिखाएगी कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं। हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और धन किसके हाथ में है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जातिगत जनगणना होगी और हमारी सरकार निश्चित रूप से करवा कर रहेगी और इसको लेकर हम BJP पर भी दबाव बनाएंगे। वही आपको बता दें, राहुल गांधी ने बैठक में PM मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते हैं। वहीं BJP के 10 में से सिर्फ 1 ही CM OBC समाज से है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है। कुछ पार्टियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है, हमें उन पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फासीवादी पार्टी नहीं है, लेकिन गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है। आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी करवाया जाएगा। बता दें, इससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में CWC की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा देश के संवैधानिक और संचय ढांचे के लिए चुनौती है। अब देखने लायक ये होगा कि क्या राहुल गांधी अपने इस फैसले पर खरे उतर पाएंगे या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।